हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑन नवंबर 15। क्वेश्चन नंबर वन, पक्के टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड-19 ग्रीन सोल्जर्स। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे हम पखुई टाइगर रिजर्व नाम से जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इट फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इट इज़ नोन फॉर द अमेजिंग साइटिंग्स ऑफ 4 रेजिडेंट हॉर्नबिल स्पीसीज। हॉर्नबिल स्पीसी इंडिया में टोटल 9 टाइप के हॉर्नबिल स्पीसीज, टोटल 9 टाइप के हॉर्नबिल स्पीसीज पाए जाते हैं। और जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल जो ग्रेट हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल इज स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश और केरला एंड इट इज़ वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। एक हॉर्नबिल के नाम पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन नागालैंड, नेम्ड आफ्टर द बर्ड हॉर्नबिल विच इज मोस्ट रिवर्ड एंड एडमायर्ड बर्ड फॉर नागाज और इट इज ऑल्सो नोन एज पखुई टाइगर रिजर्व। तो ये आपका यहाँ लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पैट्रन ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न आपका ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के जो नए पैटर्न नियुक्त किए गए वो हैं माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग जो पुराने समय के एक तेज गेंदबाज थे, माइकल होल्डन किंगस्टन जमैका से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह 1970-80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज थे। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट कप में पदार्पण किया था और 1987 ईस्वी में रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट इशूइंग फोरकास्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। तो नेक्स्ट सीजन से उन्होंने मलेरिया आउटब्रेक के बारे में फोरकास्ट करने का डिसाइड किया है। देखो, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल स्टार्ट इशूइंग फोरकास्ट फॉर मलेरिया आउटब्रेक्स फ्रॉम नेक्स्ट मानसून, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सेक्रेटरी M. Rajeevan सेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस सेक्रेटरी M. Rajeevan ने ये बताया और ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये पृथ्वी विज्ञान विभाग के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म हिट ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो आपका सेंट्रल अमेरिका में स्थित कंट्री है, उसमें अभी एक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था ETA। देखो, जो ETA था, ETA फर्स्ट हिट निकारागुआ एज द कैटेगरी 4 हरिकेन विद विंड्स ऑफ 225 किलोमीटर पर आवर एंड टॉरेंशियल रेन्स। इट देन वीकेंड इनटू ट्रॉपिकल डिप्रेशन एंड इट मूव्ड इनटू नेबरिंग होंडुरास एंड ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो है मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर पूर्व में मेक्सिको, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में बेलीज, पूर्व में कैरेबियन और दक्षिण पूर्व में होंडुरास और अल सल्वाडोर स्थित हैं। ये सभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ऐसे आते हैं, BG-HO-NI-COPA, मतलब बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा, ये सभी कंट्रीज हैं जो मध्य अमेरिका में स्थित हैं। यहीं आया था आपका स्टोर ETA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बिडेन हैज बिकम 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ही हैज वन हाउ मेनी सीट्स। तो ये 290 सीटों से जीते। देखो, जो बिडेन बराक ओबामा के काल में उपराष्ट्रपति थे और अभी ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हरा कर जीते हैं। उन्हें 290 सीटें मिली और इनके साथ ही जो कमला देवी हैरिस हैं, जो ये कमला देवी हैरिस जो अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं और भारतीय अफ्रीका मूल की हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। कमला देवी हैरिस विल बिकम फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट इंडियन एंड अफ्रीकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। अमेरिका के इतिहास में अब तक कोई लेडीज प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है, तो कमला हैरिस पहली वाइस प्रेसिडेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया।
प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ये मणिपुर के हैं और नॉर्थ ईस्ट से पहली बार हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। मणिपुर्स ज्ञानेंद्रो निंगोम्बो नेम्ड एज द न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ही विल रिप्लेस मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट वर लॉन्च्ड फ्रॉम PSLV C-49 इंक्लूडिंग EOS-1। EOS-1 इंडियन सैटेलाइट था, इसके अलावा इन्होंने 4 USA से के सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे और टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये देखें तो 4 सैटेलाइट थे आपके USA से, एक सैटेलाइट लिथुआनिया से और चार सैटेलाइट लग्जमबर्ग से और एक इंडियन सैटेलाइट, टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्म फोर्सेज कंडक्टेड ए जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट विच आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अभी इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई बुल स्ट्राइक, जो टेरेसा आइलैंड, ये अंडमान निकोबार के टेरेसा आइलैंड में हुई थी। अंडमान निकोबार कमांड हैज़ कंडक्टेड ए 3-day ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नेम बुल स्ट्राइक एट टेरेसा आइलैंड इन निकोबार ग्रुप आइलैंड। द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जी अमंग द 3 सर्विसेज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स टू मैक्सिमाइज कॉम्बैट पोटेंशियल। अभी तीनों सर्विसेज को देखने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की पोस्ट बनाई गई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इस समय विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रसथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। तो इसके लेखक हैं आपके ससिंद्रन कलनकील, ये मतलब पूर्व SPG ऑफिसर हैं। एक्स SPG ऑफिसर ससिंद्रन कलिंदन हैज पेंड ए नोवेल नेम्ड रसथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। द मेन कैरेक्टर इन द नोवेल पब्लिश्ड बाई बुकमित्र, ए ट्रांसजेंडर नेम्ड रसथी बॉर्न इन ए वेल टू डू फैमिली इन साउथ इंडिया। रसथी मीनिंग प्रिंसेस इज इन लेट 40s हु वॉन्ट्स पीपल टू ट्रीट ट्रांसजेंडर लाइक ह्यूमन बींग बाई शोअरिंग लव अफेक्शन सिंपैथी एंड रिकोगनाइज देयर पैथेटिक एंड हॉरिबल लाइफ। तो 1940s के अराउंड ससिंद्र कलनील ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इको फ्रेंडली बैम्बू कैंडल्स एंड दियाज। तो ये आपका त्रिपुरा ने स्टार्ट किए हैं। देखो, इन एन अटेम्प्ट टू बूस्ट वॉइस फॉर लोकल्स एंड टू प्रमोट इको फ्रेंडली ऑप्शंस ड्यूरिंग करंट फेस्टिवल सीजन त्रिपुरा हैज कम अप विद इनोवेटिव बैम्बू दियाज। और ये लॉन्च किए थे आपके चीफ मिनिस्टर विपल कुमार देव ने। विपल कुमार देव ऑफिशियली लॉन्च द प्रोडक्ट एंड हेल्प द इनिशिएटिव एज फॉलोइंग इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर्स विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज। इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत इन्होंने आर्मी मतलब कैसे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है उन सब के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट रैंक नंबर 1 इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSMEs के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में नंबर 1 रहा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड ए स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी ये प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने लॉन्च किए, जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं और नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवी ऑफ विद्या बालन हैज़ बिकम एलिजिबल फॉर ऑस्कर नॉमिनेशंस। ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हुई है इनकी मूवी नटखट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व। तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है और 8 नवंबर जो होता है 8 नवंबर को मनाते हैं हम डे ऑफ रेडियोलॉजी। डे ऑफ रेडियोलॉजी क्योंकि WK विलहम रोंटेजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी 8 नवंबर को, इसीलिए डे ऑफ रेडियोलॉजी बनाते हैं। और 9 नवंबर को मनाते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे नालसा डे। देखो, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर
एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचमन लिंबू हु पास्ड अवे वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। ये संचमन लिंबू सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। संचमन लिंबू जिनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1947 को और अभी इनकी मृत्यु हुई है 8 नवंबर 2000 को। वाज द फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। ही वाज चीफ मिनिस्टर इन सिक्किम फॉर 179 डेज। ड्यूरिंग हिज पीरियड द सेंट्रल एक्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज इनफोर्स इन सिक्किम। लिंबू डाइड ऑन 8 नवंबर 2020 आफ्टर ए लॉन्ग डिसीज ऑफ इलनेस एट द एज ऑफ 73। नेक्स्ट फैक्ट है कि रस्किन बॉन्ड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट चेरिस्ड ऑथर वॉज कन्फर्ड टाटा लिटरेचर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020। ही वॉज सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ वर्क क्लोज टू 100 बुक्स अक्रॉस जनरल ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट। नेक्स्ट एक बुक रिलीज की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वेंकैया नायडू हैज लॉन्च द बुक टाइटल थाओसोमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू लेंस ऑफ रामायण। द बुक वॉज ऑथर्ड बाई रलाबंदी श्रीराम चक्रधर एंड को ऑथर्ड बाई अमर शारदा दीपाती। तो ये वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ये आपका चाइना ने लॉन्च किया है और इनकी एक 5G टेक्नोलॉजी वो चाइना की हुवाई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है। ये आज के क्विज का क्वेश्चन है कि 200 मेगावाट लोहरी स्टेज वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच नंबर। ये आपका सतलज रिवर पर मनाया जा रहा है। सतलज रिवर पे आपका भाखड़ा नांगल बांध है और सतलज रिवर आपका मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। सिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उससे पंजाब से फ्लो होते हुए ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। सो दिस वॉज फॉर द डे। थैंक यू।